बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम ग्लैक्सोसोम के बारे में बात करेंगे। ग्लैक्सोसोम भी हमारे साथ एक ऑर्गेनेल है और ये भी मतलब यूकेरियोटिक सेल का ऑर्गेनेल है। लेकिन ये भी आप याद रख लें कि ये सारी यूकेरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होता। डिफिनेशन की तरफ देख ले, इट इज़ अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल ऑफ यूकेरियोटिक सेल। सपोज ये हमारे साथ सेल हो गया, ये हमारे साथ सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, और सपोज़ ये इसमें हो गया ग्लाइक्सोसोम ऑर्गेनेल, ठीक हो गया। तो ये ग्लाइक्सोसोम ऑर्गेनेल में से बाहर निकाल के थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये हमारे साथ ग्लाइक्सोसोम ऑर्गेनेल है। इस ग्लाइक्सोसोम ऑर्गेनेल में फिर अंदर मतलब डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, क्लियर हो गया। इसमें अंदर एंजाइम है और ये भी मैंने आपसे बताया कि ये यूकेरियोटिक सेल में होता है, लेकिन ये हर यूकेरियोटिक सेल में नहीं होता। सपोज हम भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, हमारे जो सेल है वो भी यूकेरियोटिक सेल है, लेकिन ये पेरिक्सोसोम हमारे सेल में मौजूद नहीं होता, मतलब एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होता। ये जो ग्लाइक्सोसोम है ये प्लांट सेल में मौजूद होता है, लेकिन ये भी आप याद रख लें कि ये प्लांट के हर सेल में मौजूद नहीं होता। खासकर उन टिश्यू में मौजूद होता है जहाँ पर उन सेल में या उन टिश्यू में लैपेड मौजूद होता है। पास सैंपल यही बात है, प्लांट सेल में तो है लेकिन प्लांट के हर सेल में मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ लैपेड रेड सीड में होते हैं। अब ये जो लेपेड है या मतलब जो लेपेड बनते हैं वो हमारे साथ सीड में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी सीड है उस सीड में लेपेड होता है, ठीक है। तो उस सीड में जो सेल्स हैं उस सेल्स में अंदर ये ग्लाइक्सोसोम ऑर्गेनेल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। सपोज़ ये हमारे साथ एक प्लांट है, प्लांट में ये सपोज हमारे साथ सीड है, इस सीड मैंने बाहर निकाला हुआ है, ये एक सीड है और ऐसा सीड है जिसमें लेपेड है, क्लियर। तो ये एक ऐसा सीड है जिसमें लेपेड बहुत ज़्यादा है। तो ये सीड हमारे साथ तो सील से बना होगा, ठीक है, ये सील से बना हुआ है। तो इससे मैंने ये एक सील निकाला हुआ है, इस सीड से मैंने ये एक सील लिया है। इस सील के अंदर ये बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं ग्लाइक्सोसोम की। ये ग्लाइक्सोसोम मैंने बाहर निकाला हुआ है, ये ग्लाइक्सोसोम है, इसमें अंदर ये फिर डिफरेंट एंजाइम होते हैं, क्लियर। इसके कंपोजिशन के बारे में बात की, कंपोजिशन वही बात है कि ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन लेपिड प्रोटीन से बना हुआ है और फिर इसके अंदर ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन इसका मेन जो फंक्शन है या प्राइमरी जो इसका फंक्शन है वो है हमारे साथ कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट, मतलब CHO का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है, सपोज़ ये हमारे साथ एक सीड है, ठीक है, ये एक सीड है, ये सीड हमने ज़मीन में डाला हुआ है, ठीक है, ये ज़मीन में ये सीड हमने डाला है। तो आप लोगों को ये भी पता है कि ये सीड अब जब इससे सीडिंग निकलता है, छोटा सा जो नन्ना सा पौधा निकलता है तो उसको हम कहते हैं सीडलिंग। तो ये जो सीडलिंग है, छोटा सा पौधा या छोटा सा जो शाख निकलता है, ठीक है, तो इसके लिए तभी मतलब खुराक की ज़रूरत होती है। और ये प्लांट अब एक ऐसे स्टेज में जो अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ठीक हो गया। ये फोटोसिंथेसिस तब करेगी जिससे मतलब बड़ा शाख निकलेगा और उसमें क्लोरोफिल मतलब उसमें सब्ज़ रंग का कोई हिस्सा हो तो फिर उसकी वो सब्ज़ रंग का हिस्सा फिर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो सब्ज़ रंग या ग्रीन पार्ट बनने तक ये जो सीड है इस सीड के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी अब कहाँ से मिलेगी, ये एनर्जी इसको इस सीड में पहले से मौजूद लेपेड से मिलेगा, ठीक है, इसमें लेपेड मौजूद होगी इस सीड में। तो सपोज़ ये हमारे साथ एक सीड है, ठीक है, सीड से मैंने ये एक सील लिया हुआ है, ये एक सील है और इसमें बहुत सारे हमारे साथ सपोज़ ये बहुत सारे ग्लाइक्सोसोम हैं, ग्लाइक्सोसोम। तो इसमें मौजूद जो हमारे साथ लेपेड है ये लेपेड कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में, कार्बोहाइड्रेट में। अब जब फैटी एसिड कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट में, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके फिर अब रिस्पायरेशन होगा और इस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकलेगी, ठीक है, एनर्जी, और ये एनर्जी इस सीडलिंग में मतलब काम आएगा। ये जो सीडलिंग बनता है यहाँ पर सीडलिंग में बहुत सारे काम होते हैं और हर काम के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है। और जब इस सीड से मतलब एक ग्रीन पार्ट निकलेगा, एक शाख निकलेगा जिसमें मतलब ग्रीन पार्ट हो, तो फिर ये अपना कार्बोहाइड्रेट खुद तैयार कर सकता है। इससे पहले जो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए चाहिए था उसके साथ तो कार्बोहाइड्रेट नहीं था, मतलब उनके साथ फैटी एसिड था और वो फैटी एसिड कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट फिर एनर्जी दे देता है। तो ये था इसका काम इस ग्लाइक्सोसोम का। दोबारा इसकी तरफ देख लें, ग्लाइक्सोसोम हमारे साथ एक और ऑर्गेनेल है,
ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, ठीक है, ये कोरोट सेल में, ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, प्लांट सेल में फिर कहाँ मौजूद होता है, ये हर सेल में मौजूद नहीं होता प्लांट में, ये सिर्फ लेपिड रिच सीड में होता है। ऐसी सीड जहाँ पर लेपिड बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर ये ऑर्गेनेल उन सेल में मौजूद होगा। पोजीशन के बारे में बात करें तो लेपिड प्रोटीन से इसका मेम्ब्रेन बना हुआ है और इसके अंदर फिर एंजाइम मौजूद होते हैं। फंक्शन ये है कि कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। क्यों फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट में क्यों कन्वर्ट होता है वो मैंने आपको मतलब बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।